हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। तो आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपको अपने घर के ही जो है दोस्तों कौन से चीज़ से अपने गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र देना है, और मानसून आने से पहले जो है दोस्तों आपको अपने पौधे में कौन से काम कर लेने हैं, आपको अपने पौधे की जो है दोस्तों वो किस तरह से केयर करनी है। क्योंकि जो है दोस्तों अभी जून का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ही प्रचंड गर्मी हो रही है, लेकिन जो है दोस्तों जुलाई आते आते ही हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों वो मानसून एंटर कर जाएगा। गर्मी अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो ही रही है, लेकिन मानसून आने में भी जो है दोस्तों वो ज़्यादा देरी नहीं है। आपको अभी से ही अपने पौधे में काम करना शुरू कर देना होगा, आपको अपने पौधे की केयर करने के लिए जो है दोस्तों स्टार्ट कर देना होगा, उसको फर्टिलाइज़र दे के जो है दोस्तों पूरा ही रेडी कर लेना होगा, तभी मानसून आने पर आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जून का महीना चल रहा है, मैंने आप सभी को बताया, और इतनी प्रचंड गर्मी है, लेकिन फिर भी आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों। मेरे पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, मेरा पौधा कितना ही ज़्यादा हेल्दी है, मेरे पौधे में फ्लावरिंग भी हो ही रही है। बहुत सारे लोगों के पौधे ऐसे हैं जिनके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा के पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं, ब्रांचेस सूख रही हैं, डाईबैक की प्रॉब्लम आ रही हैं। इस तरह की समस्या बहुत सारे लोगों के पौधे में है, उनके लिए जो है दोस्तों मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर है। मैं आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो कि उसकी केयर आपको कैसे करनी है और उस सिचुएशन में आपको न्यूट्रिशन क्या देना है। अभी जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगी कि मानसून आने से पहले आपको अपने पौधे की किस तरह की केयर कर लेनी है, अपने पौधे में कौन कौन से काम कर लेना है ताकि मानसून आपके पौधे को ख़राब ना कर पाए और आपका पौधा बिल्कुल ही हेल्दी रहे। क्योंकि गर्मी आने से पहले हमने अपने पौधे में सारे ही काम बहुत ही अच्छे से किया हुआ था, उनकी केयर बहुत ही अच्छे से कर रही थी, और देख सकते हैं गर्मी में भी हमारे पौधे का परफॉर्मेंस कितना ही अच्छा हमारा पौधा परफॉर्म कर रहा है, एकदम बहुत ही अच्छे से हेल्दी बना हुआ है। तो ये उसी कारण से है दोस्तों, क्योंकि हमने अपने पौधे को पहले से ही तैयार किया हुआ था गर्मी को फेस करने के लिए। उस कारण से जो होता है वो ये होता है कि हमारा पौधा गर्मी में ख़राब नहीं होता है। तो अब मानसून आने से पहले आपको सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको केयर टिप्स नंबर वन क्या करना है। तो हमारा केयर टिप्स नंबर वन जो है दोस्तों वो यह है कि आपको अपने पौधे में जितनी भी सारी जो पत्तियाँ ख़राब है, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या फिर जो इस तरह की जिसमें प्रॉब्लम आई हुई हैं, इस तरह की सूखी हैं और बेजान सी है, उनको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है। उनको सबसे पहले आपको अपने पौधे से कट करके हटा देना है, या फिर जो है दोस्तों आपको तोड़ के हटा देना है। क्योंकि मानसून आएगी तो वो जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी होती है, वो बड़ी हो जाती है और वो धीरे धीरे हमारे पौधे को ख़राब करने लगती है। तो इसलिए जो दोस्तों उन पत्तियों को आप बिल्कुल भी अपने पौधे में ना रखें। अगर आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप थोड़े बहुत पत्तियों को उससे हटा दें। सबसे पहला काम आप अपने पौधे में वह कर लें कि अपने पौधे की जो भी सिकुड़ी हुई पत्तियां हैं या फिर जो भी सूखी बेजान सी पत्तियां हैं, उनको आपको अपने पौधे से हटा लेना है। हटाने के बाद जो है दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि वो गमले में भी गिरे हुए ना रहें। गमले से भी जो है दोस्तों आप उनको हटा लें, मतलब गमले में एकदम साफ सफाई जो है दोस्तों वो बनाए रखें। उसके बाद आपको तीसरा काम जो करना है दोस्तों वो यह करना है कि पौधे में जितनी भी सारी जो खरपतवार आ रही हैं उनको आप समय समय पे हटाते रहें। क्योंकि खरपतवार अगर रह जाएंगी और पानी आना शुरू हो जाएगा तो क्या होता है, पौधे में जो है दोस्तों वो नमी बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है, एकदम चिपचिपी बनी रहती है। क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि गुलाब के पौधे को चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है, उसको हमेशा भुरभुरी मिट्टी में होना होता है, उसको जो है दोस्तों एकदम फ्रेश मिट्टी पसंद होती है। तो इसलिए हमेशा आप अपने गमले की साफ़ सफाई करते रहें। देख सकते हैं आप मेरे गमले में जो है दोस्तों कहीं पे भी ना कोई खरपतवार निकले हुए हैं और ना ही जो है दोस्तों पत्तियां गिर के गमले में निकली हुई है। पत्तियों को जो भी पत्तियों को जो है दोस्तों आप गमले में गिरा के ना रखें। उस कारण से क्या होता है, उस कारण से ये होता है कि हमारे जो गमले की मिट्टी होती है उसमें फंगस वगैरह आके लग जाती हैं। और पत्तियों को अगर आप साफ़ सफाई करते रहोगे, उसको हटाते रहोगे, तो जो भी न्यू ग्रोथ आती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आती है, उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। इसलिए आप नीचे की
पत्तियों को हमेशा जो है दोस्तों वो हटाते रहें, पीली पत्तियां को जो है दोस्तों वो आप हटाते रहें। देख सकते हैं इस तरह की जो पीली पत्तियां हो जाती हैं और इस तरह की ब्राउन ब्राउन हो जाती है, देख सकते हैं ये जो होती है दोस्तों इसमें माइट्स का अटैक हो गया है, इसी के कारण ये इस तरह की हो जाती है। और ये अगर गमले की मिट्टी में गिर जाएंगी तो ये हमारे गमले की मिट्टी को भी ख़राब कर देंगी। इसलिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम एकदम नहीं अपने पौधे को देना है, आपको हमेशा अपने पौधे की साफ़ सफाई करते रहना है। इस तरह की पत्तियों को भी जो है दोस्तों आपको हटाते रहना है। उसके बाद जो भी फ्लावर्स इस तरह की खिल रही हैं उनको आप सुखा के बिल्कुल भी ना रखें, उनको आप बहुत ही जल्दी पौधे से हटा दें, एकदम इस तरह की सूखने ना दें और हटा दें। इससे क्या होती है देख सकते हैं यहाँ से जो दोस्तों वो न्यू ग्रोथ आ रही है। इसका यहाँ पे ग्रोथिंग हार्मोन था, अब हमने यहाँ से इसको कट करके हटा दिया है, इसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और ये जो ग्रोथ आया है ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसलिए जब भी आपके पौधे में फ्लावर खिले और वो थोड़े से जो है दोस्तों मुरझा जाएं, आप उनको सबसे पहले पौधे से इस तरह से हटा दें, देख सकते हैं इस तरह से हटा दें जो है दोस्तों। ये इस काम पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये छोटे छोटे काम जो मैंने आप सभी को बताया, ये छोटे छोटे काम पे आप ध्यान दें दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको न्यूट्रिशन आज अपने पौधे में क्या देना है। तो न्यूट्रिशन के तौर पे आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों ये है नींबू के छिलके। और नींबू के छिलके को जो है दोस्तों हमने पानी में भिगो के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखा हुआ था। तो देख सकते हैं ये अपने सारे ही न्यूट्रिशन को पानी में बहुत ही अच्छे से छोड़ चुका है। तो अब जो है दोस्तों इसका हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि गुलाब के पौधे की गमले की मिट्टी का जो है दोस्तों वो एसेटिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एसेटिक बनाए रखने के लिए हम क्या जो है दोस्तों हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी जो है दोस्तों ये एक बेहतरीन उपाय है हमारे गमले की मिट्टी को एसेटिक बनाए रखने के लिए। इसके इस्तेमाल से भी जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी जो है दोस्तों वो एसेटिक बनी रहती है। और अभी गर्मी के टाइम पे सारे ही लोगों के घर में नींबू जो है दोस्तों वो इस्तेमाल होता ही होता है, और उनके छिलके को हम लोग अक्सर फेंक ही दिया करते हैं। तो उनके छिलके को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ हमने जो है दोस्तों आधा कप पानी में नींबू के छिलके को जो है दोस्तों वो इतना सारा भिगो के रखा हुआ था। ये जो है दोस्तों ये एक नींबू का छिलका होगा, देख सकते हैं। तो इनको जो है दोस्तों हमने भिगो के रखा हुआ था, और इनके रस को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, हमेशा आपको छिलके को ही भिगा के रखना है। आप कभी भी इस तरह की गलती ना करें, आप रस का इस्तेमाल करें। तो इनको छिलकों को आपको क्या करना है, इस तरह से छान लेना है। उसके बाद यहाँ जो है दोस्तों यहाँ हमने आधा कप जैसा कि पानी लिया हुआ था, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे एक कप पूरा पानी कर लेंगे, मतलब ज़्यादा पानी का भी आपको डाइल्यूट नहीं करना है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा जो पानी है दोस्तों ये एक कप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब जो है दोस्तों आपको अपने गमले में दे देना है, किसी भी एक गमले में जो है दोस्तों आप ये एक कप पानी दे सकते हो। तो मैं जो है दोस्तों आज इस गमले में दूंगी। आप इसको जो है दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी अपने गमले में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमने एक गमले की क्वांटिटी के हिसाब से आप सभी को एक गमले में ही जो है दोस्तों करके बताया हुआ है। और जैसा कि जिसमें जो है दोस्तों हमने ये फर्टिलाइज़र दिया हुआ है अपने गमले की मिट्टी को एसेटिक बनाए रखने के लिए, उसमें जो है दोस्तों हम और एक फर्टिलाइज़र ऐड करने वाले हैं। तो और जो फर्टिलाइज़र हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये कम से कम जो है दोस्तों 300 ml पानी होगा। और इसमें हमने क्या लिया हुआ है, इसमें हमने 2 केले के छिलके और 1 जो है दोस्तों संतरा का छिलका को भिगो के रखा हुआ है। और ये जो है दोस्तों न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, NPK का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपके पौधे में ये NPK की पूर्ति बहुत ही अच्छे से कर देगी, आपको मार्केट से NPK लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इनको भी जो दोस्तों आपको छान के निकाल लेना है। और केले के छिलके का इस्तेमाल करने से पहले आप सबसे पहले यह काम करें कि केले के छिलके को आप सबसे पहले धूप में अच्छे से सुखा लें। अच्छे से सुखा के जो दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होता है, वो आपके गमले में फंगस पैदा नहीं करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ हमने सुखा लिया था, उसके बाद जो है दोस्तों हमने इसको पानी में भिगा के रखा हुआ था। और इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा है, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रखा हुआ है। तो ये जो है दोस्तों आपको पानी का डाइल्यूट करने का भी इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस गमले में हमने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये जो है दोस्तों 200 से 300 ml था, इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्ट डाल देंगे, पानी का डाइल्यूट करने का भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप अपने घर में ही फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे में दे सकते हो, और अपने पौधे को जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी उससे ग्रोथ दे सकते हो। देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी एकदम नन्ही से जो है दोस्तों वो बेसल शूट्स आ रही है, और ये कितनी ही ज़्यादा हेल्दी है। और पौधे में ग्रोथ भी जो है दोस्तों वो कुल मिला के बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस टाइम पर जो है दोस्तों इसको न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और हमने जो है दोस्तों न्यूट्रिशन दे भी दिया है। तो अब देखिएगा कि अब पौधे की ग्रोथ जो हो रही है वो कितना ही अच्छे से होगी, कितना ही जो है दोस्तों वो तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। तो इस तरह से मैं अपने सारे ही पौधे की केयर करती हूँ, सारे ही पौधे को जो है दोस्तों न्यूट्रिशन देती हूँ। और केयर टिप्स से रिलेटेड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं जो है दोस्तों
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है और आपके पौधे में इससे जो है दोस्तों किसी भी तरह की खराबी नहीं होगी, आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों उसमें फ्लावरिंग भी होगी और मानसून के लिए आपका पौधा तैयार भी हो जाएगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।